अजमेर और आने जो मेरी वाकफी करवानी शुरू की सी ह्यूमन राइट्स नाल जोड़ के ते ओ कुछ हद तक उदा मैं मतलब मेरे कई तरह की पछाण चो जी मैं कह रहा सीगा कि जे शहीद भगत सिंह तो इनकलाबियों नाल जुड़े इतिहास बारे या उन्होंने बारे कुछ एक वक्री पछाण बनी है तो दलित साहित्य नाल जुड़ के एक पछाण रही है तो एक एक्टिविस्ट के तौर पर मैं थोड़ा जहाँ संखेप दस सकदा कि वो की हिस्सा है मेरा कि मैं हिंदुस्तान की जिहड़ी जमहूरी हकों की लहर है वो किसी वेले एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया अजकल तो नहीं मैं दिल्ली पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का एक्टिविस्ट सीगा जो मैं स्टूडेंट से 77 तो 82 तक जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 84-85 तक जो मैं दिल्ली काम कर रहा सीगा तो उस वेले दिल्ली का जो सिखा का कतलेआम होया उत्थे ते हू आर द गिल्टी किताब वगैरह निकली है तो उस वेले उस जमहूरी हकों की लहर नाल मेरा संबंध रहा तो पंजाब जमहूरी अधिकार सभा जो बनी FDR वो भी सीधा नहीं सी लेकिन फिर भी वो मेरा संबंध रहा तो इस करके जमहूरी लहर तो जो भी हमले होंदे रहे तो एक एक्टिविस्ट के तौर पर वो जुड़ के मैं जरूर उन्होंने विरोध जिनी भी मेरी समर्था से वो मुताबिक रल के किया तो एक होर जी पछाण क्योंकि इतने साढ़े पाकिस्तानी दोस्त आए हुए हैं तो मैं वो भी जरूर एक मिनट साझी करना चाहना मेरे हाँ हाँ जी कि मैं इंडो पाक पीस मूवमेंट नाल बहुत जज्बाती तौर पर जुड़िया हुआ मेरा फेसबुक पर एक पेज भी है इंडो पाक पीस एंड फ्रेंडशिप दा और जो तकरीबन 1000 लोग वो मैंबर ने हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दोवों चों ही तो दिल्ली की एक जी संस्था इंडो पाक पीस एंड फ्रेंडशिप IPPFD वो मैं उस जथेबंदी नाल भी जुड़िया हाँ तो ये कई तरह के चीज़ें मैं समझना कि यह सारिया चीज़ा एक दूजे नाल बड़िया डूंगे तौर पर जुड़िया हुई हैं इंटररिलेटड ही ने इस करके कई बार पछाण वक्री भी लगती है लेकिन है एक समुची गतिविधि का हिस्सा ही है वह तो जड़िया गल् अज असल च आप कर सकते हैं क्योंकि इन्ना वह कहना चाहिए कि दायरा विशाल तुसी कीता है कि मैं आपू बड़ा मुश्किल जहा लगता भी कि बिंदुओं से मैं गल करा कि ताकि ज़्यादा गलबात होर अगे आदान प्रदान हो सके तो जिस तरह तुसी कुछ गल् प्रसंग की चलो मैं यही गल शुरू कर लेना कि शहीद भगत सिंह होर ने जिवें तुसी बार बार उन्होंने अछूतों का सवाल लिखते गल की है अछूत समस्या एक्चुअली जून 28 के कृति रसाले दे विच इस समस्या से उन्होंने लेख छपया छोटा और उन्होंने वो प्रसंग लिया कि हिंदुस्तान दे विच मुहम्मद अली दी प्रधानगी काकीनाडा कांग्रेस हुई सी उत्थे कांग्रेस पार्टी ने भी किस तरह अछूतों के सवाल पर गलबात की तो उस वेले फिर उन्होंने वो पूरा प्रसंग दस के ये लेख लिखा कि अजकल सारे पासे हिंदुओं सिखां च मुसलमानों च बड़ी दौड़ लगी है कि असीं अछूतों नूं अपने वल खिंचीए तो ईसाई भी लगे हुए हैं कि वह अपना वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पर कहें भी ये असल समस्या है कि भी एक पासे तो यह हाल है कि तुसी उन्हें बड़े सख्त धारणा दिखाई उन्होंने कहा कि कुत्ता तुहाडी गोद च बह सकता कुत्ता तुहाडी रसोई च जा सकता तो दलित का जे तुहाडा कोई छू भी जाए अछूत का कुछ तो तुसी खाना भी सिट सकते हो तो उन्होंने इस तरीक़े की बदतमीजी कर सकते हो भी ये एक अजिहा पखंडी समाज है कि जे तुसी इस तरह का कर सकते हो तो कुत्ता तुहानू एक इंसान नालों प्यारा है तो इस किस्म दी सख्त धारणा देकर उन्होंने कहा कि ये जड़ा है ये बिल्कुल फिर उन्होंने कहा भी मैं तुहानू कि किस तरह जिहड़े साढ़े जिन्होंने उन्होंने वेले अछूत कहा जाता सीगा जां जिन्हां अज दलित तो फिर भी रिस्पैक्टेबल शब्द समझा जाता कि वह किन्ना मेहनत करके दूजे की सेवा करते हैं मतलब जो सफाई का भी देखना हो जो अछूत सफाई ना कर समाज की हालत हो बजाए कि इस करके उन्हों का सत्कार किया जाए सन्मान किया जाए तो असी उन्होंने ये सलूक करते भी अछूत ने तो उन्होंने बड़ी सख्ती नाल ये सारिया चीज़ा ये कह के ये गल्लां कीतियां सीगियां कि देखो ये समस्या का जिहड़ा हल है ये एक तो उन्होंने ये गल कही सी भी कोई भी समाज का हिस्सा होवे उन्हें कोई भी चीज़ प्लेट ते धरके नहीं मिलती हर हिस्से नूं समाज अपना स्थान हासिल करन पिछे आप संघर्ष करने पैंदे आ लड़के हासिल करने पैंदे कोई भी हक चाहे जमहूरी हक है तो कि शहरी आजादी के हक है
दुनिया च अज तक जिस भी समाज जिस भी किस्म का विकास होया चाहे ब्लैक्स ने अपने हकों वास्ते किया हो बिना लड़े किते नहीं हासिल होया जिमें कपाश की कविता भी ने कि बिना लड़े कुछ हासिल नहीं होंदा तो इस करके और लड़े के जिहड़ी चीज़ हासिल होंदी है वह थोड़ी जी स्टेबल होंदी है जिहड़ी चीज़ तुहानू दान च दित्ती जांदी है वह स्टेबल भी नहीं होंदी क्योंकि जो लड़के हासिल होंगे तो तुम उसका खून तो मुड़का रलिया होंगे फिर तो मुल भी पता होंगे और तुम रक्षा वास्ते होर अगर लड़ते भी हो चाहे औरतों के हक होन चाहे ब्लैक्स के हक होन चाहे दलतों के हक होन चाहे मुल्क शहरी आजादियों के जमहूरी हकों के मजदूर जमात के हक होन जिस तरह गल की गई है कि मई दिहाड़ा भी इस महीने पैंदा अठ घंटे का दिन इस तरह नहीं मिल गया दुनिया को मजदूरों अठ घंटे का दिन है वो वास्ते भी बड़िया बड़िया लंबिया संघर्षों तो बाद ही कुरबानिया तो बाद ही यह सारा कुछ हासिल होंगे और अपना भगत सिंह ने अखीर ते गल यही कही सी और बड़ी तुसीं देखो क्यों दलित हिंदुस्तान च जां तां सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर नूं तो अपना आदर्श ही मानते हैं लेकिन तुसीं ये देख के हैरान होवोगे कि नैशनल मूवमेंट के किसी हीरो नूं कोई दलित अपना हीरो नहीं मानता सिर्फ एक भगत सिंह का सत्कार करता सिर्फ एक भगत सिंह का सत्कार करता है डॉक्टर अंबेडकर तो बाद जे किसी का वह सत्कार करता है ज किसी बारे मन च इज्जत की निगाह देखता है तो वह नौ भी सत्कार ना लैंदा है तो वह सिर्फ शहीद भगत सिंह है क्योंकि यह शहीद भगत सिंह ही सी जिन्हां ने शायद मतलब डॉक्टर अंबेडकर तो भी वध डॉक्टर अंबेडकर ने तो बड़े ठम्मे नाल विज्ञानिक विश्लेषण नाल ते होर सारियां गल्लां कीतियां ने भगत सिंह ने जज्बाती होकर यह गल कही है उस अछूत समाधि के आखिरी लफ्ज़ ने उठे सुते हुए शेरो उठो मतलब उन्होंने सुते हुए शेर कहा दलित समाज नूं कि तुसीं तां सुते हुए शेर हो तुसीं जाग जाओगे तो तुहाडी दिहाड़ नाल सारी संसार डर सकदा तुसीं उठो जागो तो सही जाग के लड़ो तो तुहाडे कोले गवाउण नूं तां कुछ है ही नहीं जिस तरह मार्क्स ने कहा ना कि वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चेन्स तो दलितों ने भी यही कहा कि तुम तो सुते हो शेर हो तुम एक बार उठ खड़े होवोगे तो तुम तो हासिल ही हासिल करना गवाणा तो कुछ है ही नहीं गवाणी तो तुम जी थोड़े ना बदसलूकी होंगी है वह ही गवाओगे तो बदले च इज्जत भी हासिल करोगे तो समाज के अपना मानयोग दर्जा भी बनाओगे इतों तक कि जो इकनोमिक स्ट्रक्चर है उहदे च वी आपदा बनदा वाजिब जिहड़ा हक बनदा वह हासिल करोगे और कई गल्लां मतलब क्यों भगत सिंह की इज्जत की जाती है दूसरे इनकलाबी हल्कों च भी तो दूसरे हल्कों च भी एक यह गल बड़ी आम ही है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े समाज सुधारक बड़े बड़े उगे ना जिहड़े उन्हां दीआं जबानी गल्लां होंदियां जां लिखती गल्लां होंदियां बड़ियां आदर्शक होंदियां बड़ियां प्रेरणा स्रोत होंदियां पर कई बार जो तुम उन्होंने जाति जिंदगी मेल करके देखो तो कई बार अजिहे भी तुहानू नेता समाज सुधारक मिल जाते हैं कि जो दलतों की स्टेज पर जाके तो दलतों नाल सब कुछ बड़े बड़े भाषण करके तो फिर घर जाके नहाते हैं कि भी वह इतने भी उदाहरण मिलते हैं कि कई IAS अफसर ने हिंदुस्तान के उदू पहला उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोई दलित बैठा सी तो कुर्सी में जाके गंगा जल नाल धोया इस किस्म दीआं शर्मनाक हरकतां हिंदुस्तान दे विच संविधान पोस्टां ते रहिंदे होए बंदिआं ने कीतियां ने कई मंत्रियों ने भी कीतियां ने कई सूबिआं दे विच खास तौर ते यूपी बिहार वर्गा जिहड़ा इलाका है उत्थे इस किस्म दीआं शर्मनाक हरकतां उत्थे कीतियां जांदियां ने लेकिन भगत सिंह दी इज्जत क्यों है क्योंकि भगत सिंह ने सिर्फ अपने बाकी हिस्से तां इनकलाब दे जो गल्लां कीतियां सब कीतियां जदों आखिरी दिन फांसी देनी सी तां भगत सिंह नूं पुछिआ गया भी तेरी की आखिरी इच्छा तो उन्हें क्या इदा है कि मैं अपनी फांसी तो पहला उस दिन बेबे के हाथ की रोटी खानी है तो वो प्रसंग मैं तुम दसदा कि एक दलित कर्मचारी से जेल का बोगा जोड़ा एक तरह का मतलब कैदी हों तो कैदी उस तरीके एक दूसरे के ड्यूटी ला देंगे तो वो भगत सिंह मतलब उन्होंने नाल लगे हुआ तो बोगा वह बेबे कहते होंगे सी बेबे कहते होंगे सी कहते भी मतलब हो सकता कि दलतों चो भी बहुत जिन्हों ज़्यादा लोग नीवी जात समझते हैं भंगी या इस तरह का मतलब वह हो कहते भी इनू बेबे क्यों कहते हैं वह कहते भी बच्चा माँ ना माँ बच्चे की टट्टी साफ कर दी तो बच्चा तो माँ माँ कहते ना वो टट्टी साफ कर दी ना
तो जिहड़ा हिंदू समाज की टट्टी साफ करता है तो वह दर्जे तो बेबे है ना, तो इस करके वह कहना बेबे दे आधी रोटी खानी। तो बोगे का रो रो के बुरा हाल, मतलब वो कहना मैं कर ही नहीं सकता। 1931 दी गल्लां ने जदों इन्ना मंच वसिया हुंदा सीगा कि मैं किसी सो कॉल्ड उच्च जाति के बंदे वास्ते मैं किवें आपदे हत्थ नाल रोटी पका के दे सकदा, ते लेकिन उन्हें कहा भी नहीं मैं तो अपना आखिरी जिहड़ा वह मैं यही करना। और उन्होंने बोगे तो रोटी बनवा के बोगे दे आधी रोटी खा के फिर अपना लैनन की किताब पढ़ के तो फिर फांसी का रस्सा चुभिया सीगा। ये चीज़ है जिहड़ी मतलब तुहानू इज्जत पैदा करदी है मन च। खाली उन्हें अछूत समस्या लेख नहीं लिखा, उन्हें अपनी जिंदगी दे आखिरी पलों च वह व्यवहार च करके दिखाया कि वो मन दे विच की इज्जत है अपने उस तबके की, जिस तबके ने इन्नी सख्त घालनावां घाल के इन्ना जुल्म झले हुए ने, तो उन्हूं इज्जत देना।